और यहाँ पर जो कई चीजें होती हैं जैसे तैयार होना हमारे लिए एक प्यार सा शुरुआत बिल्कुल भी चुकर भर मैदान पते ही जूम करके लेना और आज का ये मौसम भी उसका एक पश्चिमा तो भी तो है कि वह दर्शन अभी हर टाइम जो मेरे बहुत ही शानदार रहा और हमारे चाहे अतिथि हमारे सभी की कहकर के प्रयास को एक शुभकामनाएं दी हुई कि कर धर्म मैदान फटे नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ studio.co.in में, जहाँ आज हम आपको लेकर आए राजधानी लखनऊ के एक स्टेडियम मोहम्मद शहीद स्टेडियम का नाम है, शाहिद स्टेडियम लखनऊ में है, जहाँ पे स्वर्गीय विजेंद्र सिंह लखनऊ हॉकी लीग 2018 के नाम से हॉकी का आयोजन किया गया है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे जिन्होंने आयोजन किया है, आर्यन फिल्म प्रोडक्शन हाउस के जो डायरेक्टर हैं आर्यन जी, उनसे बात करेंगे। उसके बाद जो यहाँ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। देखिए क्या है कि सबसे पहले माई सेल्फ आर्यन मिश्रा, और मन में विचार क्या आया, जैसे ही मुझे मनीष कुमार द्विवेदी जी ने इस टूर्नामेंट के बारे में बताया, मिस्टर अविनाश जी को लेके आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने मेरे बड़े भाई मिस्टर राहुल यादव जी से रिक्वेस्ट किया। तो इस टूर्नामेंट में विशेष योगदान होटल द लीफ के डायरेक्टर राहुल यादव नितेश कुशवाहा जी का है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर अविनाश श्रीवास्तव जी का जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने मेरी बातों को एक्सेप्ट किया। और मैं खुद एक हॉकी खिलाड़ी हूं तो मुझे पता है यहां के खिलाड़ियों के कितना वो सम्मान वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा कहीं ना कहीं देखा जाए, और गेम्स के अकॉर्डिंग्स क्रिकेट व्हाटएवर वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हॉकी के हित के लिए मैंने एक कदम उठाया जिसमें मुझे मेरे बड़े भाई राहुल जी ने विशेष सहयोग दिया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही उम्मीद करूँगा कि आने वाले टाइम में भी हॉकी के हित के लिए जो योगदान मुझे दे रहे हैं, और स्वर्गीय विजेंद्र सिंह लखनऊ हॉकी लीग 2018 का जो आयोजन हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा हर साल इन्हीं के नाम से हो और मेरे बड़े भाई का मुझे आशीर्वाद प्रदान हो। थैंक यू सो मच मिस्टर अविनाश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मेरी बातों को एक्सेप्ट किया और मिलकर ये कार्य करने का अवसर प्रदान किया मुझे। मैं हर साल लाइफ टाइम में इस टूर्नामेंट में जुड़ के कार्य करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि कहीं पे भी जब मुख्य अतिथि आते हैं तो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन और उत्साह वर्धन के लिए आते हैं, उनको आशीर्वाद के रूप में एक ज्ञान भी देते हैं। तो आइए जो मुख्य अतिथि हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा, राज्य उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग की मेंबर हूँ, और आज मुझे यहाँ पर आकर इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने देखा कि हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, जैसे अभी दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ और एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा गोल भी किया। तो इस तरह की प्रतिभाओं को अगर हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, और निश्चित ही मुझे लगता है कि जिस तरह से अब आगे युवा और सभी लोग साथ में आ रहे हैं, हम अपने इस राष्ट्रीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने में सफल होंगे, मेरी यही कामना है। और
जो हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था, गुम हो गया था, और क्रिकेट को बहुत अधिक वो मिली थी। हर खेल को वरीयता मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन और ज़्यादा इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, जो कि अब हो रहा है। और आशा करती हूँ कि हम अपनी इन टीमों को और जो हैं इनको और ले जाने में सक्षम होंगे, और जहाँ पर आयोग की ज़रूरत हो, बाल अधिकार आयोग की जहाँ पे भी ज़रूरत हो, हम सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। जैसे कि हॉकी जो है अब हमारे भारत से कहीं ना कहीं विलुप्त होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि सरकार शायद आपकी ही चल रही है सत्ता में, आप लोग तो क्या कदम उठाएंगे जिससे हॉकी को एक मजबूती मिल सके? देखिए, हम लोग खेल के प्रोत्साहन के लिए हम लोग अभी योजनाएं बन रही हैं, और बच्चियों का कैसे खेल में रुझान हो। देखिए, बॉयज़ तो है खेलते ही हैं, लेकिन बच्चियों को कैसे खेल में आगे ले जाया जाए, उसके लिए अभी कई लड़कियां आपने देखा भी है कि खेल में बहुत अच्छी अच्छी निकली भी हैं, जैसे साक्षी जी हो गई, तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां निकल भी रही हैं। लड़कियां कहीं ना कहीं देश का जो नाम है रोशन कर रही हैं। बिल्कुल रोशन कर रही हैं और करती भी रहेंगी। और ये जो हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है ये लड़कियों के बीच में ही हो रहा है, तो निश्चित ही इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास है। और समाज के अच्छे अच्छे लोग जब सामने आते हैं और ऐसा काम करते हैं तो सरकार को भी बल मिलता है और हम लोगों को भी बल मिलता है कि हम लोग इस दिशा में कुछ बेहतर कर पाएँ। तो आइए हॉकी लीग के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्योंकि वो तो खिला ही रहे हैं खिलाड़ियों को, और जितनी हद तक उनकी सपोर्ट है बच्चों को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार का जो सपोर्ट है उनको नहीं मिल पाता है। जी नहीं, नहीं सरकार का, मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव है, मैं आयोजन सचिव हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और इंटरनेशनल एम्पायर भी हूँ, और कुल मिला के मैं हॉकी से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से मैं हॉकी करा रहा हूँ, और इसीलिए मैं जो है हॉकी में गर्ल्स का भी मैं लेके चला हूँ कि गर्ल्स की हॉकी भी करानी है और गर्ल्स को भी आगे लाना है। हमारे यहाँ गर्ल्स में प्रतिभाएं बहुत हैं, तो लेकिन थोड़ा सा बीच में गैप था जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ किसी तरह कि लड़कियाँ भी खूब खेलें और जुड़ें। जी जो तो आइए अब हम बात करेंगे स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह के जो पुत्र हैं, तो आइए उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि हॉकी जगत में उनका कहीं ना कहीं एक विशेष योगदान है। तो आइए राहुल जी से बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं जब बेटे के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक खुशी होती है। जी मैं राहुल। तो आज कैसा लग रहा है जब आपके पिताजी के नाम पे एक हॉकी लीग रखा गया है, उसमें आप सम्मिलित हैं, एक तरह से सहयोग कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। था क्या, पिताजी विधि क्षेत्र से थे, मैं भी विधि क्षेत्र से ही हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, मगर वो खेल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और क्रिकेट भी उन्हें अच्छा था, बॉक्सिंग, हम लोगों को छोटे थे तो कुश्ती करवाते थे घर में, तो खेल में चाहते थे कि खेल में बच्चे भी बढ़ें, उनका भी एक लगाव था, तो उनका वो सपना तो पूरा नहीं कर पाए। आज उन्हीं के नाम से ये लीग करा के उनके जन्म दिवस पे ये शुरू कराई थी लीग, और जैसे आर्यन जी कह रहे थे, अविनाश जी के सहयोग से कर पाया हूँ, और मैं आज यहाँ पे कहता हूँ अगर अविनाश जी का साथ रहा और आर्यन जी सब लोग साथ में हम लोग रहेंगे ही, और इन लोगों को बस इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, तो हर साल 10 अगस्त को लखनऊ हॉकी लीग इसी मैदान पे या इससे बड़े मैदान पे कहीं हम लोग कराएंगे पिताजी के ही नाम से। मतलब कहीं ना कहीं जब खिलाड़ी खेल नहीं पाते उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो वो प्लेटफॉर्म देने का आप काम करेंगे? कोशिश पूरी रहेगी भैया। जैसा कि आपने देखा कि कोशिश पूरी रहेगी, तो आइए अतिथि उनके और भी आए जो आशीर्वाद के रूप में आए थे, बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, बात भी की और प्रोत्साहन बढ़ाया, उत्साह वर्धन किया, तो आइए बात करेंगे और जानेंगे वो कौन है। जी भाई, मैं डॉक्टर डी एम त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ श्री जे एन पी जी कॉलेज में, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये हॉकी खेल जिनका अभी कल हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते थे मेजर ध्यानचंद जी, कल खेल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, इसका बहुत बड़ा दर्शन है। ध्यानचंद जी एक बेहतर खिलाड़ी तो थे ही, बहुत बड़े फिलासफर भी थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों तुम धन्य हो, तुमने युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में तब्दील कर दिया। सहज रूप से अगर इस दर्शन को समझ ले तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। खेल वो संसाधन बन गए जो युद्धों पे अंकुश लगाए, विराम लगाए, आपस में सौहार्द बढ़ाए, स्नेह बढ़ाए। जैसे आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कहीं ना कहीं की वजह से, खेल के ही वजह से जो भी अगर मधुर संबंध बन रहे हैं वो खेल के वजह से ही बन रहे हैं, और समाज में उसकी ही सार्थकता है जिसकी सामाजिक उपयोगिता अधिक हो, और खेल वो जरिया है, वो माध्यम है
जिसके वजह से हॉकी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हॉकी देखिए बीच का दौर ऐसा रहा जिससे ये खेल थोड़ी सी उपेक्षित हो गई, हमारा राष्ट्रीय खेल रही है, पर कुछ अपने युवा साथी इसके लिए फिर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा हूं कि किसी के इस स्मृति में तो कहीं ना कहीं वो भावना खेल भावना बना हुआ है, तो अपने पिता के नाम पे या फिर खेल के नाम पे अविनाश जी हैं, सिंह साहब हैं, इनको एक अवसर मिला जिसके माध्यम से खेल को प्रमोट कर रहे हैं और उस खेल को चुना जो विलुप्त हो रहा है, इनको बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने इस तरह के बीड़े उठाए। ख़ास तौर से लोग अगर पैसे की लोलुपता होगी होती या ग्लैमर की होती तो कोई और गेम चूज करते, पर इन्होंने उस गेम को चूज किया जो हमारी राष्ट्रीय खेल रही है और इस समय विलुप्तता की तरफ बढ़ रही थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है इनका। मैं इनको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। तो जैसा कि आर्यन फिल्म प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये आयोजन किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार से एक आशा भी है कि लीग कराने के बाद कहीं ना कहीं सरकार इस खेल को सपोर्ट भी करेगी। तो आर्यन जी से ये थोड़ा सा सवाल पूछेंगे कि ये बताइए सरकार से इनको क्या आशा है, इस तरह का जो लीग प्रोडक्शन कुछ लोग मिलकर करा रहे हैं अपना निजी धन लगाकर, तो आइए सरकार की क्या उसमें भागीदारी रहेगी उस पर भी बात करेंगे जी। देखिए मेरे ख्याल से सरकार कहीं ना कहीं अपने सारे मोटिव पे वर्क कर रही है और मैं हॉकी के प्रति भी उनके कदम के वो बहुत तहे दिल से कहीं ना कहीं आप लोगों के जो ये कदम है उसको सपोर्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है, क्योंकि मुझे स्टेडियम सरकार के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है और कुछ चीज़ें छूटी रह जाती हैं जो कमियाँ, आई होप मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं ये टूर्नामेंट अपने मित्रगण और गुरुजन और बड़े भाइयों के सहयोग से कराऊं तो मैं सरकार से थोड़ा सा ये अपेक्षा करूंगा कि खिलाड़ियों के हित के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराएं, जैसे उनकी किट हो गई, हॉकीज हो गई, ऐसे जो भी हैं वो प्रोवाइड करा के उनको सहयोग प्रदान करें। कहीं ना कहीं स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह जी को आप लोगों ने एक श्रद्धांजलि दी जी। डेफिनेटली आई होप कि मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं मिस्टर राहुल यादव जी, उनके पिताजी के नाम को, उनके पिताजी के नाम के जन्मदिन को किस तरह एक ऐतिहासिक रूप दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट बनेगा एक इतिहास रचा जाएगा और मुझे खुशी होगी कि उसमें मेरा थोड़ा सा सहयोग रहा, योगदान रहा, कि ताकि मेरे भाइयों ने जो सपोर्ट किया हॉकी हित के लिए, कहीं ना कहीं हॉकी की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, खिलाड़ी हैं बट उनको राइट वे में एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको अगर अच्छे से प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनकी सुविधाओं को विशेष योगदान दिया जाए, ध्यान में रखा जाए, तो हमारे लखनऊ का, हमारे यूपी का एक नाम फिर से वो वर्चस्व जरूर मिलेगा जो हमारे किसी टाइम हुआ करता था। मतलब जैसे आपका प्रोडक्शन हाउस और दली, हाँ आर्यन फिल्म प्रोडक्शन होटल द लीव के सहयोग से जो टूर्नामेंट हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद और प्यार अगर रहा तो मैं हर साल मिलके इसको एक बेहतर रूप प्रदान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि भी दी गई है और इनकी एक ही आशा है सरकार से और ये जो टूर्नामेंट बच्चे खेल रहे हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के एक आशा करते हुए इन लोगों ने स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह लखनऊ हॉकी लीग का आयोजन किया है और आर्यन जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम आगे भी इस तरह के आयोजन कराते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा, नमस्कार। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।